ये SK झा सर का सीट है आस एजुकेशन का, ये बहुत ही अच्छा सीट है, बिहार पुलिस स्पेशल है, बिहार पुलिस मैराथन NCERT के लिए। आप जानते हैं कि SK झा सर जो नोट्स देते हैं उनका एग्ज़ाम में बहुत मिलता है, इसमें साइंस वगैरह सब था, तो ये हिस्ट्री टॉपिक है। इससे पहले जितने भी साइंस थे पूरा वीडियो करवा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकार किस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण मानते हैं? किस संधि को मानते हैं? वर्षिया की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 39 से 45 तक में। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस तिथि को हुआ था? 8 मई 1945 को अंत हुआ था। चर्चिल ने मार्च 1937 में क्या घोषणा की थी? विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 1937 में क्या घोषणा की थी? रक्षात्मक उपायों का समर्थन का घोषणा किया था। गुड के प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य क्या था? सैनिक सुरक्षा। गुड के प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य क्या था? सैनिक सुरक्षा था। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्र संघों की शक्ति की कमी। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्र संघ की शक्ति में की कमी। विश्वव्यापी आर्थिक मंच का क्या कारण था? विश्वव्यापी आर्थिक मंच का क्या मंदी का क्या कारण था? वैश्विक व्यापार का संकट। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का क्या कारण था? वैश्विक व्यापार संकट। नंबर 200 नंबर है, नई विश्व व्यवस्थाओं के उदय का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, डिटेल में क्वेश्चन है क्योंकि NCERT का है, नॉर्मल वन लाइनर तो है लेकिन क्वेश्चन में वेटेज है। नई विश्व व्यवस्थाओं के उदय का मुख्य उद्देश्य क्या था? निजीवाद और फ्रांसीवाद का प्रसार। हिटलर की निजी सरकार किस पर आधारित थी? हिटलर की जो निजी सरकार थी जर्मनी की, किस पर आधारित थी? जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत पर आधारित थी। हिटलर की नीतियों ने किस राष्ट्र को प्रभावित किया? हिटलर की नीतियों ने किस राष्ट्र को प्रभावित किया था? इटली को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किसके बाद हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किसके बाद हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। 1937 में हिटलर और मुसोलिनी ने किस क्षेत्र पर अधिकार की अनुमति दी? ऑस्ट्रिया पर अधिकार की अनुमति दिया था। स्विट्जरलैंड पर हिटलर के ध्यान का कारण कौन सा था? स्विट्जरलैंड पर हिटलर के ध्यान का कारण कौन सा था? भौगोलिक स्थिति था। ये सर जी भी एकदम हिंदी में दे देते हैं, ये क्या लिखा है हिंदी में? कौन सा नंबर है जी? उन्नीस सौ उनचालीस में हिटलर ने किस क्षेत्र, ये क्या है, 1939 में हिटलर किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? चेकोस्लोवाकिया पे। 1939 में हिटलर ने किस पर अधिकार किया था? चेकोस्लोवाकिया। और ये 1938 में हिटलर और मुसोलिनी किस देश के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस देश के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सोवियत संघ यानी रूस पर। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 से लेकर कब से हुआ था? 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, कब? 1939 से लेकर 45 तक चला था। 1939 के सितंबर अक्टूबर के महीने में बाल्टिक राजमंडल के किन देशों ने रूस के साथ सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किया था? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ें, जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको भी ध्यान से सुने। क्या है क्वेश्चन? 1939 के सितंबर अक्टूबर के महीने में बाल्टिक राजमंडल, बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया होते हैं, किन देशों ने रूस के साथ सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि बाल्टिक में तीन देश होते हैं, तीनों देश ने किए थे। जून 1940 में किस देश ने बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया? जर्मनी ने।
जून 1940 में किस देश ने बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया? जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया था 1940 में। जर्मनी ने 1941 में मॉस्को पर कब्जा पाने के लिए क्या किया था? मॉस्को यानी रूस, मॉस्को की ओर से बड़े भूभाग पर आक्रमण, मॉस्को की ओर बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था। कब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया? मई 1945 में। कब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया? मई 1945 में किया था। जापान द्वारा अमेरिका पर हमला करने का क्या परिणाम हुआ? अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। जापान ने अगर अमेरिका पे हमला नहीं करता तो अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होता, तो परमाणु बम नहीं गिरता, और सबसे बड़ी शक्ति इस समय जापान की ही होती। सोचिए, उस समय इतनी बड़ी शक्ति जापान की थी, रूस को, जर्मनी को, फ्रांस को, सारे बड़े बड़े देशों को पानी पिला रखा था, यहाँ तक कि अमेरिका तक को भी। वो तो अमेरिका के पास परमाणु बम बन गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। द्वितीय मोर्चे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसका पराजय था? जर्मनी का। द्वितीय मोर्चे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसका पराजय था? जर्मनी का पराजय। कब जर्मन सेना पेरिस को छोड़कर भागी? कब जर्मन की सेना पेरिस को छोड़कर भागी? 6 जून 1944 को। द्वितीय मोर्चे में कौन कौन से देश शामिल थे? रूस और फ्रांस। द्वितीय मोर्चे में कौन कौन से देश शामिल थे? रूस और फ्रांस शामिल थे। जर्मनी के हवाई हमले के कारण किस महासंघ ने युद्ध की घोषणा की? अमेरिका ने। जर्मनी के हवाई हमले के कारण किस महासंघ ने युद्ध की घोषणा की? अमेरिका ने। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध कौन सा दूसरा महत्वपूर्ण मोर्चा था? अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच युद्ध का कौन सा दूसरा महत्वपूर्ण मोर्चा था? फ्रांस था। अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद 9 अगस्त दूसरा अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था फैटमैन। पहला का लिटिल बॉय, दूसरा का फैटमैन। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कितने लोग मारे गए थे? 5 करोड़ लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कितने लोग मारे गए थे? 5 करोड़ लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे? 2.80 लाख तो सैनिक मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मारा गया था? 20%। कुल जनसंख्या का 20% मर गया था। बाप रे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था, फांसीवादियों के अत्याचार के कारण कितने लोग मारे गए थे? 60 लाख। फांसीवादियों के अत्याचार के कारण कितने लोग मारे गए थे? 60 लाख लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण कर लिया था? रामपुर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण कर लिया था? रामपुर में। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास होने के बाद किस देश की शक्ति ने दुनिया का नेतृत्व किया? अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवाद और साम्यवाद की किस विचारधारा का प्रमुखता से उभरना हुआ? साम्यवाद का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव उपनिवेशवाद क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव उपनिवेशवाद का विकास किस प्रकार के देशों के विकास के साथ हुआ? नवीन स्वतंत्र राष्ट्र। आजकल YouTube पे क्या चल रहा है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने में वही YouTube पे पढ़ा रहा है, लेकिन वो सिलेबस फॉलो नहीं कर रहा है कि सिलेबस में, क्योंकि उस सिलेबस है जो कुछ टफ है, और टफ है, लोग उसको व्यूज़ देखते नहीं हैं तो लोग उसको नहीं पढ़ाते हैं। जो जिसमें व्यूज़ आता है लोग वही पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, उसी से पढ़ने से नहीं होगा, कुछ टफ कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से देश वर्सिया की संधि में शामिल थे?
फ्रांस, इटली और जापान। निम्नलिखित में से कौन से देश वर्सिया की संधि में शामिल थे? तो कौन थे? फ्रांस, इटली और जापान शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो वर्सिया की संधि पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? वर्सिया की संधि पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1418 में। दूसरे विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणति था, यह कथन किसने दिया? जॉन मिनार्ड किन्स ने। जॉन मिनार्ड ने कहा कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था पहला विश्व युद्ध का ही अंश था, यह परिणाम था। विल्सन ने किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध को मार्ग प्रशस्त किया? विल्सन ने किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध को का मार्ग प्रशस्त किया? पहली विश्व शांति प्रस्तावना देकर। द्वितीय विश्व युद्ध से क्या कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्षीय की संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टिकरण की नीति, जर्मनी के जापान के साम्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता, इतना चीज था। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। संयुक्त राष्ट्र का गठन, द्विध्रुवीय विश्व युद्ध की स्थापना, यूरोप का पुनर्निर्माण, जर्मनी की विभाजन, परमाणु हथियार का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध का इतना कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंस की हत्या, आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंस की हत्या का। अब है निजीवाद का क्वेश्चन, यहाँ से निजीवाद से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। मुसोलिनी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी चल रहे हैं। मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? इटली से। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि छोटी चैनल है, आपके ही सपोर्ट से चैनल बड़ी बनेगी धीरे धीरे। हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? वन शहर में। हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था लेकिन किस शहर में हुआ था? वन शहर में हुआ था। मिनकाफ पुस्तक किसकी रचना? हिटलर की। मिनकाफ पुस्तक किसकी रचना है? हिटलर की। मिनकाफ पुस्तक किसकी रचना है? हिटलर का। हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया? 1933 को। हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब मनोनीत किया गया था? 1933 ईस्वी में। 1948 ईस्वी जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। 1948 ईस्वी में जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? मार्क। जर्मनी की मुद्रा उसमें क्या चलते थे? मार्क। अब यहाँ से वन समाज और उपनिवेशवाद। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। भारतीय वन अधिनियम का पारित किया गया 1965 में। भारतीय वन अधिनियम 1965 में पारित किया गया। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1782 में। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1782 में हुआ था। कंध विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से। कंध विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? झारखंड के किस गांव में हुआ था? उलिहातू में। उलिहातू। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था झारखंड में हुआ था, सबको पता है, लेकिन किस गांव में हुआ था? तो उलिहातू में। अब यहाँ है शांति के प्रयास। टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही अच्छे से सजाया गया है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कुवैत को ईरानी सेना से कब मुक्त कराया गया? 1991 में। कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया गया? तो 1991 में। इराक के कब्जे में था कुवैत। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य? 5। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं? 5, जिसके पास वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 यूएनओ।
वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? जनेवा में। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? जनेवा में है। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? पहले अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भविष्य के युद्ध को टालना। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भविष्य में होने वाले युद्ध को टालना। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सर्वोपरि परिणाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सर्वोपरि परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को का। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य? 192 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 101 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 101 धाराएं हैं। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगला वीडियो, अगला टॉपिक फिर से लाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में लाएंगे पूरा का पूरा। और इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनको ज़रूर देखें। आपको अच्छा लगे, कुछ सुझाव जानकारी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।